आचार्यापाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, दिन के 3:30 बज चुके हैं। स्वाध्याय के लिए आप सब गुमठ सार जीव कांड को खोल करके बैठे हैं और आज प्रातःकाल से ही आपको ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में जन्मे तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का आज जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के उपलक्ष में आज भगवान की जन्मभूमि भगवान अनंतनाथ का जहाँ जिन मंदिर बना हुआ है, जहाँ प्राचीन चरण भगवान के विराजमान हैं, ऐसे उस जिन मंदिर में पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ही प्रातःकाल अपने संग के साथ गई और सरयू नदी का सुंदर घाट है, अर्थात वहाँ सरयू नदी अपने वेग से बहती है और पास में ही बहुत सुंदर भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान है, जो आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा के अनुसार उस राजकीय उद्यान का डेवलपमेंट हुआ और वहाँ भगवान ऋषभदेव की 21 फुट की पद्मासन प्रतिमा स्वामी रविन्द्र कीर्ति जी ने बहुत ही चंद दिनों में बनाकर तैयार की और उसको विराजमान कराया था। आज जब हम लोग अनंतनाथ भगवान की टोंक पर पहुँचे और दूर से उस राजकीय उद्यान को देखा, मन गदगद हो गया कि समय चला जाता है लेकिन यादें शेष रह जाती हैं। वह प्रथम महामस्तकाभिषेक का समय था और राजकीय उद्यान के उदय का समय आया था। आज करोड़ों करोड़ों चित्र वहाँ भगवान ऋषभदेव के साथ लोगों ने खिंचवाए हैं और जरूर उनके मन के अंदर भगवान ऋषभदेव की छवि आती होगी, क्योंकि वहाँ पर भगवान ऋषभदेव का एक छोटा सा परिचय भी दिया गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और इन्होंने जीवन जीने की कला अयोध्या नगरी से ही सबको सिखाई थी। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम सब ने मिलकर भगवान अनंतनाथ का जन्म कल्याणक मनाया। अयोध्या के तीर्थ परिसर में पांडुक शिला निर्मित है, उस पांडुक शिला पर सबसे पहले भगवान का जन्माभिषेक हुआ। आप सब ने खूब गाजे बाजे के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया, खूब घंटा नाद हुआ, घर घर के अंदर पर्यावरण शुद्ध हुआ और सबने भगवान के जन्म की खुशियां मनाई। यह अनंतनाथ भगवान 14वें तीर्थंकर हैं और जिन 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया है उनमें से अंतिम तीर्थंकर हैं। उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, अभिषेक भी आपने देखा और अभी यहाँ पर थोड़ी सी देर में ही भगवान का पालना झुलाया जाएगा। उस पालने की भी तैयारी हो गई है कि जब इंद्र स्वयं पालना स्वर्ग से लाता है, इंद्राणी पालने को सजाती हैं और सब लोग मिलकर के पालने को झुला करके भगवान की शिशु अवस्था का स्मरण करते हैं। तो अब पहले थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं और उसके बाद में पालना सब लोग झुलाएंगे। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। 20 प्ररूपणाएँ जो जीव द्रव्य की कही गई हैं उनमें से ही समस्त प्ररूपणाओं का क्रम क्रम से कथन हुआ है और अंतिम प्ररूपणा उपयोग अधिकार के नाम से चल रही है। उपयोग माने
जीव का लक्षण। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। जानने देखने की जिनके अंदर शक्ति रहती है वही बस उपयोग है, और उस उपयोग से सहित एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव रहते हैं। जिनके अंदर जानने देखने की शक्ति नहीं होती है वो अचेतन कहलाते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे उस जीव द्रव्य से समन्वित हम सब भी इस संसार के अंदर सुख दुख का वेदन करते हैं, और अपने उपयोग का सदुपयोग करने के लिए ज्ञानोपयोग में लीन रहते हैं। अर्थात बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो दिन में से अपना काफ़ी समय शास्त्र के स्वाध्याय में, गुरुओं के उपदेश में लगा करके पारस चैनल, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल आदि का उपयोग करते हैं। तो उसी का उपयोग करते हुए आप सब भी, हम तो अयोध्या में बैठे हैं लेकिन आप लोग अपने अपने स्थानों पर पूरे देश से इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो उपयोग अधिकार के अंदर आपने जाना कि एक साकारोपयोग और एक निराकारोपयोग नाम से उपयोग के दो भेद हैं। साकारोपयोग माने ज्ञानोपयोग, और अनाकारोपयोग माने दर्शनोपयोग। ये शास्त्र के स्वाध्याय से ही पता चलता है कि अनाकार उपयोग में माने दर्शनोपयोग क्या चीज़ है, ज्ञानोपयोग क्या चीज़ है। क्योंकि कहा गया कि अज्ञानता मन की काली अंधेरी रात है। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अर्थात अज्ञानता मन की वह काली अंधेरी रात है जहाँ ना कोई तारे हैं और ना चंद्रमा है। ऐसी अंधेरी रात में हमारे गुरुजन ज्ञान का दीप चलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप स्वाध्याय करें, जिनवाणी का अध्ययन करें। जलाओ ज्ञान का दीपक, जलाओ ज्ञान का दीपक, अंधेरा जग में फैला है। स्वच्छ है तन मनुष्यों का किंतु मन उनका मैला है। मन मैला है क्योंकि मन के अंदर अज्ञानता भरी हुई है। तो स्वच्छ है तन मनुष्यों का किंतु मन उनका मैला है। डिटर्जेंट पाउडर स्वाध्याय से चमका लो मन को। अब कपड़ा कोई मैला होता है तो उसको अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट पाउडर ला करके और आप उसको धो करके चमकाते हैं, लॉन्ड्री में भेजते हैं। कपड़ा बढ़िया सुंदर स्वच्छ होकर के, कलप होकर के, प्रेस होकर के जब आपके यहाँ आता है, उसको पहन करके अपने तन को स्वच्छ बनाते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर स्वाध्याय से चमका लो मन को। अब तो डिटर्जेंट पाउडर क्या हुआ, मन के मैल को चमकाने के लिए स्वाध्याय ये डिटर्जेंट पाउडर का काम करता है। क्यों, मैला मन इसी से साफ होता है। तो देखो सब तरफ इस ज्ञान का माहौल कैसा है। जब अपना मन साफ हो जाता है माने मन के अंदर ज्ञान की स्वच्छता आ जाती है, तो अपना मन अच्छा होता है, अपना ज्ञान स्वच्छ होता है, तो दूसरे को भी हम अच्छे दिखते हैं और हम दूसरे को अच्छा देखते हैं। अर्थात सबके मनों के अंदर ज्ञान का दीप जलाने की इच्छा होती है और ज्ञान से मन को स्वच्छ करने और कराने का मन करता है। इसलिए बंधुओं करो संकल्प, हम दो चार लाइन रोज पढ़ लेंगे। समझिए हल्का, करो संकल्प हम दो चार लाइन रोज पढ़ लेंगे तो वे ही वाक्य मन मंदिर में परमात्म दिखा देंगे। पता नहीं कौन सा वाक्य मन के अंदर बैठ जाता है और परमात्मा के लिए, परमात्मा बनने के लिए वो वाक्य, वे शब्द कारण बन जाते हैं। न जाने कौन सी बातें हृदय में बैठ जाती हैं, तभी तो राम सीता की कहानी याद आती हैं। जब भी जीवन में कभी कोई विचलित अवस्था आती है तो सोचा जाता है कि सीता ने कैसे सहन किया, राम ने कैसे अपने पिता के वचनों की रक्षा की। आज जरा जरा सी में बहू बेटियां
एकदम विचलित होकर के और न जाने क्या क्या कर बैठती हैं। इसलिए स्वाध्याय यदि कोई करता है तो उनके अंदर सहन शक्ति, उनके अंदर तत्व ज्ञान विकसित होता है और ऐसे समय में ही विषम परिस्थिति में ही स्वाध्याय की पंक्तियां ध्यान आती हैं। इसी स्वाध्याय का फल ज्ञानमती माता में दिखता है। ज्ञानमती माता ने गृहस्थ अवस्था से ही, बालिका अवस्था से ही स्वाध्याय किया। घर का काम करते करते भी किताब खोल देती और उसके वाक्य को एक बार पढ़ लेती और रटती रहती। तो इन्होंने न जाने कितनी बातें याद भी कर ली और उनका सदुपयोग भी करके गृहवास से निकल करके आज गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता के रूप में है। तो इसी स्वाध्याय का फल ज्ञानमती माता में दिखता है कि दो दो बार डीलिट पद एक साध्वी को मिलता है। चार क्लास पढ़ी हुई एक साध्वी के विशाल साहित्य सृजन को देख करके, जिन्हें गॉड गिफ्ट के रूप में संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत का ज्ञान अपने आप मिल गया है, हिंदी तो मानो मातृभाषा ही है, तो विशाल साहित्य सृजन को देख करके जिन्हें दो दो विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। करो स्वाध्याय ऐसा तुम जो ग्रंथ निर्ग्रंथ कर देते। ग्रंथ पढ़ करके ही संत जो है निर्ग्रंथ बन जाते हैं, अपरिग्रही बन जाते हैं। करो स्वाध्याय ऐसा तुम उन ग्रंथों का स्वाध्याय करो जो निर्ग्रंथों के प्रति आदर का भाव भरें और जो अपने अंदर भी निर्ग्रंथ बनने की भावना को पैदा कर दें। तो करो स्वाध्याय ऐसा तुम जो ग्रंथ निर्ग्रंथ कर देवें, निकालें अवगुणों को मन से, गुण को पूर्ण भर देवें। अवगुण एक एक अवगुण भी अगर निकलता है, एक एक गुणों का भी समावेश होता है मन के अंदर, तो ये आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाता है। जैसे एक एक ईंट को चुनकर मकान बन जाता है, एक एक धागे को बुनकर परिधान बन जाता है, इसी प्रकार से एक एक गुणों को गुण करके और व्यक्ति भगवान बन जाता है और भगवान से पहले वह इंसान बन जाता है, जो इंसान ही आगे चल करके भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसी स्वाध्याय को कराते कराते अशुद्ध जीव की 20 प्ररूपणाओं का कथन आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के शब्दों में हमने कराया है। अब चल रहा है उपयोग का अधिकार, गाथा नंबर 168 तक हो गया। आपने जान लिया कि साकार उपयोग के यहाँ पर पांच भेद हैं। सामान्य रूप से ज्ञानोपयोग या साकारोपयोग के 8 भेद बताए, तो उसमें 3 मिथ्या ज्ञान भी सम्मिलित कर लिया, यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं और इनमें 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, इन तीनों को मिला लिया तो कथनचित ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए और सम्यक ज्ञानी के ये 5 ज्ञानोपयोग ही बताए गए हैं। तो इनको ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग कहा गया, क्योंकि ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को एकदम स्पष्ट दिखने लगता है, जानने लगता है वो प्राणी। और ज्ञानोपयोग के साथ जो दर्शनोपयोग कहा गया, उस दर्शनोपयोग को यूं तो दर्शन माने देखना, लेकिन दर्शनोपयोग का मतलब है कि जो ज्ञान से पहले आत्मा के अंदर सत्ता मात्र अवलोकन होता है, जिसे केवल केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। तो ऐसा दर्शनोपयोग भी हम सबके पास है। अब उस दर्शनोपयोग को जो अनाकारोपयोग कहा गया, यानी उसमें कोई आकार नहीं होता जब तक, तब तक उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, उसी का नाम है अनाकारोपयोग, उसका स्वरूप बता रहे हैं। गाथा नंबर 169। इंद्रिय मनोहिणावा, इंद्रिय मनोहिणावा, अथे अविशेषि दूणजम समयम्, अथे अविशेषि दूणजम गहनम्, अंतो मुहूर्त कालो, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो अनायारो, उपजोगो सो अनायारो। सामूहिक गाथा पढ़िए। इंद्रिय मनोहिणावा अथे विशेषि दूणजम गहनम्, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो अनाय।
इंद्रिय मनोवदिना वा अर्थे अविशेष यद ग्रहणम अंतर्मुहूर्त कालः उपयोगः स अनाकारः। अनाकार उपयोग का लक्षण कहते हैं कि इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा, अवधि माने सीमा के द्वारा, जो अंतर मुहूर्त काल तक पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग, अनाकार उपयोग या दर्शनोपयोग कहते हैं। तो क्या मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं, मन है जिसे नौ इंद्री कहा गया है, और अवधि है यानी किसी चीज़ को हमने एक सीमा तक जाना, तो उसको अंतर मुहूर्त काल तक जो पदार्थों का सामान्य रूप से अवलोकन हुआ तो उसको निराकार उपयोग यानी दर्शनोपयोग कहा है। ये तो हुआ गाथा का ज्यों का त्यों अर्थ। अब आप जानिए कि दर्शन के चार भेद हैं, दर्शन के ही चार भेद हैं, कौन कौन से ही? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इनमें से जो आदि के तीन दर्शन माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये छद्मस्थ जीवों के होते हैं, माने सभी संसारी जीवों को होते हैं, हो सकते हैं। चक्षु और अचक्षु दर्शन तो हर पंचेंद्रीय जीव को होता है, क्योंकि चार इंद्री से ही चक्षु नेत्र प्राप्त हो गए, तो चार इंद्री के बाद से चार इंद्री जीव से लेकर के बाकी सबको चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शन होते हैं। और एक इंद्री से लेकर तीन इंद्री तक के जीवों के पास आँख नहीं है, तो उनका दर्शन अचक्षु दर्शन, छू करके जान लेते हैं। आप देखो चींटी जा रही कहीं से, आप जो है जरा सा एक उंगली भी लगा दें तो वो उस लाइन से हटकर थोड़ा सा दूसरी लाइन से चल देगी, मन तो नहीं उसके, लेकिन उसको आभास हो जाता है। अचक्षु दर्शन है उसके पास, तो उन अचक्षु दर्शन के द्वारा भी एक इंद्री से लेकर तीन इंद्री तक के जीव अपना पूरा काम करते हैं। किसी को ततैया ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ततैया चार इंद्री जीव है, बिच्छू तीन इंद्री जीव है, उसने देखा नहीं है लेकिन उसने काटा है, तो क्या उसके पास और बाकी आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के अधीन होकर के जीव अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता और अपनी प्रवृत्ति को हर जीव करते ही हैं। तो कहा गया कि जो तीन दर्शन हैं वो छद्मस्थ जीव के होते हैं, माने संसारी जीव के होते हैं। अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता है, और नेत्र के द्वारा जब दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, जाना, तो उन नेत्रों के अंदर से जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन है यानी देखने से पहले का जो हमने ये देखा ना, इसको तो साकारोपयोग में सम्मिलित कर लिया। इसके बहुत पहले जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन है, ये कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हुई तो उसको सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन दर्शन कहते हैं, तो इसको चक्षु दर्शन कहते हैं। नेत्र के द्वारा पदार्थ का अवलोकन जो होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और नेत्र को छोड़कर शेष चार इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है, मन ने सोचा मुझे अयोध्या जाना है, एक झलक छोटी सी आई, बस वो सामान्य रूप से मन का सत्ता मात्र अवलोकन हो गया मन के द्वारा, तो ये दर्शन का स्वरूप है। जब तक आकार नहीं झलकता तब तक दर्शन कहलाता है, आकार झलकने के बाद वह दर्शन ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो चक्षु दर्शन को बताया, और शेष इंद्री और मन के द्वारा जो सामान्य अवलोकन हुआ वह अचक्षु दर्शन है, और अवधि ज्ञान के पहले इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म मात्र से जो रूपी पदार्थ विषयक सामान्य अवलोकन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं, यानी जिसको भी अवधि ज्ञान होगा उसको उससे पहले अवधि दर्शन जरूर हो जाए। तो अवधि ज्ञान वाले को ही अवधि दर्शन होगा, और जिनके पास मति शुद्ध ज्ञान केवल है उनके चक्षु और अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शन उनको नहीं होगा। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये दर्शन
निराकार उपयोग भी साकार उपयोग की तरह छद्मस्थ जीवों के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक होता है। तो अंतर मुहूर्त तक क्यों होता है? एक पदार्थ संबंधी किसी ने सुमेरु पर्वत को मन से देखा, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद सुमेरु पर्वत का ज्ञान, सुमेरु पर्वत का दर्शन जो है वो बदल जाएगा। एक पदार्थ विषयक अंतर मुहूर्त का समय दिया गया है कि साकार उपयोग यानी ज्ञानोपयोग की तरह ज्ञान भी हम समझते हैं कि हमने तो पता नहीं कितने दिनों तक क्या जाना, लेकिन एक पदार्थ संबंधी किसी को एक चीज पर उपयोग टिका है तो वो अंतर मुहूर्त के बाद दूसरे पर जरूर जाएगा। या तो वो सुमेरु के नंदन वन में आ जाएगा, पांडुक वन में आ जाएगा, या मानसोत्तर पर पहुंच जाएगा, या 13 द्वीपों में से कहीं भी पहुंच जाएगा। तो एक पदार्थ का अधिक से अधिक दर्शन और ज्ञान अंतर मुहूर्त तक यानी एक समय से लेकर 48 मिनट तक को अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो उसके बाद पदार्थ जरूर बदलेगा, अपना ज्ञेय पदार्थ, अपने जानने योग्य जो पदार्थ है उनको कहते हैं ज्ञेय पदार्थ। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, लेकिन जिसने दर्शनोपयोग की परिभाषा को जान लिया कि ज्ञान से पहले सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन, चाहे अवधि ज्ञान से पहले का होगा, चाहे चक्षु अचक्षु होगा, इसमें सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन अपेक्षित होता है, उसी को दर्शनोपयोग के रूप में जानते हैं। तो भव्यात्माओं, चूंकि हमारे अब केवल चार गाथाएं अब शेष बची हैं और आपका ये कोर्स पूरा होने वाला है, 8 जून को इसकी परीक्षा रखी गई है, चौथा पेपर रहेगा, आप सब परीक्षा की तैयारी कीजिए। और यहाँ पर आगे हम चलेंगे, आज के स्वाध्याय का सार अनाकार उपयोग के माध्यम से ही हम जानते हैं कि एक पदार्थ संबंधी जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन होगा वो ज्ञानोपयोग की तरह ही छद्मस्थ जीवों के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक रहेगा, और बाकी जो केवली भगवान होंगे उनके तो अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि उनका तो काम ही है केवल जानना और देखना। लेकिन हम सब छद्मस्थ माने संसारी जीव हैं, हम सबका ज्ञान भी अभी बहुत ही क्षायोपशमिक ज्ञान है, छोटा ज्ञान है, लेकिन उसको भी कहा है कि अंतर मुहूर्त तक साकार उपयोग भी और अनाकार उपयोग भी एक पदार्थ पर टिकेगा, उसके बाद पदार्थ की सीमा, पदार्थ का स्वरूप बदल जाएगा। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना, हमारे सामने पालना लगा हुआ है भगवान अनंतनाथ स्वामी का, तो पालना झुलाने के लिए आज हमारे अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री अमरचंद जी यहाँ पधारे हुए हैं, साथ में उनके बहन और बहनोई भी हैं, श्रीमती अलका जैन और ज्ञानेश जैन लखनऊ से आए हैं। आज उनको ये सौभाग्य तीनों लोग आ जाएं और भगवान के प्रथम पालने को झूला करके ये पुण्य प्राप्त करें। भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि का मंदिर भी इसी परिवार ने बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पूरा पंच कल्याणक महोत्सव भी किया, आज भगवान के जन्म तप कल्याणक के अवसर पर ये सब लोग आए हैं, तो इन्हीं को प्रथम पालना झुलाने का पुण्य प्रदान किया जाता है। उसके बाद आप सभी जो लोग अयोध्या में आए हुए हैं और सभी ब्रह्मचारिणी बहनें भी भगवान का पालना सब लोग झुलाएंगे। तो चलते हैं, भगवान का पालने का गीत लगाएं और भगवान का पालना सब लोग मिल करके झुला रहे हैं। तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के, झुलाओ मिल के, सभी झुलाओ मिल के, झुलाओ मिल, चल गया। तीर्थंकर प्रभु का पालना, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के, झुलाओ मिल के, सभी झुलाओ मिल के, झुलाओ मिल के, सभी झुलाओ मिल के, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के। Thank you.
तो धरती अंबर नाचे, सूरज चंदा प्रभु गुण गाते। जन्म तो धरती अंबर नाचे, सूरज चंदा प्रभु गुण गाते। मात पिता के संग हर्ष मनाओ मिलके, हर्ष मनाओ मिलके। तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिलके, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिलके। धर्म इंद्र शचींद्राणी स्वर्गपुरी जिनकी रजधानी, उनके संग जिनवर, उनके संग जिनवर के गुण गाओ मिलके, सभी गुण गाओ मिलके। तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिलके, तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिलके। शिशुपल ना छू